राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। होली के दिनों में पूजा में बड़कुल्लों का बड़ा ही महत्व होता है। इनके बिना होली अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये बड़कुल्ले मैंने 2 दिन पहले बनाए थे और ये सूख गए हैं, तो इस तरह से मैं उलट लूंगी। अच्छी प्रकार से सूख चुके हैं और इस तरह से चिरचने के लिए मैंने हल्दी ली है, कुमकुम लिया है और बांधने के लिए कलावा और ये आटा लिया है। आप यहाँ चावल का आटा भी ले सकते हैं और ये मैंने एक लोटा जल लिया है और जेवड़ी की रस्सी ली है, सूती रस्सी बोलते हैं। आप यहाँ पर नारियल की रस्सी भी ले सकते हैं। और इस तरह से पानी लेने के बाद मैं इन सबको अच्छे से भिगो दूंगी। कहते हैं नमी हो जाती है, तो इस तरह से हमें जो भी चिरचना है और मेहंदी वगैरह लगानी होती है तो वो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो होली का पूजन व होली का दहन पूरा नहीं माना जाता, होली अधूरी मानी जाती है। फागुन मास की अमावस के बाद यानी शुक्ल पक्ष में बड़कुल्ले बनाना स्टार्ट किए जाते हैं। फुलेरा दूज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसमें अनसुझे कार्य भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सबको गीला कर लूंगी। आप यहाँ सेपरे से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है, आटे से हम ये 5 बार या 4 बार 3 बार इस तरह से हम चिरच सकते हैं। तो इस तरह से चिरचने हैं और हो सके तो आप यहाँ पे भगवान का नाम लेते हुए भी चिरच सकते हैं, जो भी मंत्र आते हो, क्योंकि हम ये शुभ काम कर रहे हैं तो शुभ काम के लिए इस तरह से नाम लेते रहना चाहिए। बड़कुल्ले कैसे बनाना शुरू करें, इसका वीडियो मैंने पहले से ही मेरे अपलोड है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो किस तरह से चिरच बनाए जाते हैं, किस प्रकार पूजा की जाती है, इस सब की जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरह से जितने भी मैंने होली होला के खेल खिलौने बनाए हैं, इन सभी को मैं चिरच लूंगी, मतलब रंग लगा दूंगी। आप यहाँ मेहंदी, होली के रंग, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने बड़कुल्ले बनाए थे तो ये पूरी तरह से सूख गए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आप गीले बड़कुल्लों को चिरच सकते हैं पर उसकी जो रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस तरह से सूखने के बाद ही बड़कुल्लों को चिरचती हूँ, तो इसकी जो रौनक है वो बनी रहती है, अच्छे लगते हैं। तो आप इन सबको तभी सजाती हूँ या फिर बाद में अच्छे से सजा लेती हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तभी मैं इनको चिड़चती हूँ। जब 11 आती है यानी जब शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब आंवला की एकादशी आती है तब मैं इन्हें सजाती हूँ। अगर आप ज़्यादा भी नहीं सजाना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कम बड़कुल्ले हैं तो कम ही 5 ही बड़कुल्ले होली में के पूजन में ज़रूर से बनाएं। तो इस तरह से बच्चों को भी शामिल करें ताकि हमारी संस्कृति उन तक पहुंचे कि हमारे सनातन धर्म में कौन कौन से त्यौहार या पूजा पाठ किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जरूर से साथ में लगाएं। मैंने ये अपने बेटे को लगाया हुआ है साथ में कि वो सजा रहा है। तो 5-5 टिक्कियां लगा ले, अगर आप 5 ही नहीं लगा सकते तो कम से कम 1-1 तो टिक्की लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुमकुम ले लिया है, कुमकुम को भी इस तरह से तिलक लगा लूंगी और इस प्रकार से मैं सभी बड़कुल्लों को सजा लेंगे। हमें अच्छा लगता है जब हम अपने आध्यात्मिक चीज़ों को जब हम सजाते हैं और अपने बड़कुल्लों फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 11 तक यानी आंवला एकादशी तक ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बना लिए हैं क्योंकि होली का अष्टक लग जाती है और होली का अष्टक के बाद हम होली बड़कुल्ले नहीं बनाते हैं, अब हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता। अगर आपके यहाँ बनाया जाता हो तो बना सकते हैं, लेकिन वैसे होली का अष्टक जब लग जाती है तो नहीं बनाया जाता क्योंकि होली का जो बड़कुल्ले हैं वो जल्दी से सूखते नहीं हैं और बनाए भी नहीं जाते हैं, वो होली के दिन ही पिरोई जाती है। जो ये मालाएं होती हैं होली के दिन सुबह सुबह पिरोई जाती है। तो आप शुभ मुहूर्त देख लें यानी कि आप देख लें कि भद्रा ना लगी हो। तो इस तरह से हम चिरचने के बाद पानी के छींटे मारेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। तब इन्हें रस्सी में पोते हैं। आप रस्सी की, नारियल की, सूत की रस्सी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले होली होला को डाल दूंगी माले में, पिरो लेंगे, क्योंकि जितने भी होली के हमने खेल खिलौने बनाए हैं इस तरह से हम इसको पिरो लेंगे। तो इनको हम पिरो लेंगे सारों को सारे। इसके बाद हम इनकी मालाएं बनाएंगे। जो बड़कुल्ले होते हैं इनको गाय के गोबर से बनाना बहुत ही शुभ होता है। जो नारियल है इसे हम पोएंगे नहीं, इसे हम थाली में ही ले जाएंगे। जो चीज़ पिरोने लायक नहीं है उसे हम थाली में ले जाकर होलिका में पूजा करेंगे। तो हर एक माला में ये जो इनके खड़ाऊ हैं, खड़ाऊ को इस तरह से मैंने 2 होला होली बनाए थे तो 2 जोड़े खड़ाऊ के बनाए हैं।
तो इस तरह से मैं खड़ाऊ को भी पिरो लूंगी। तो गाय के गोबर से बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से अच्छा माना गया। ऐसा माना जाता है कि 1 किलो गाय के गोबर को जलाने से 0.5 किलो से लेकर 2 किलो ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से जितने भी हम बड़कुल्ले हैं, ये सुपारी है, सुपारी को भी हम पिरो लेंगे। और इस तरह से हमें ये जो चक्की है, आटा चक्की, इसको भी हम पिरो लेंगे। जो जो भी हमने इनके होला होली के लिए खेल खिलौने बनाए हैं वो सब पिरो लेंगे। ये कंघी को भी पिरो लेंगे। तो थोड़ा पानी स्प्रे करते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, चिपक जाएं और गीला नहीं रहेगा। सूख जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, आप ये सूख जाएं तब ही इसको अच्छे से सजा सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक ढाल भी अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से आप ढाल अर्पित कर ले। सबसे पहले जो होली की माला है, इस माला में होला होली के सारे खेल खिलौने पिरोने होते हैं। तो इस तरह से सारे पिरो लेंगे। तो इसमें ये मैं तलवार पिरो रही हूँ। जूते, चप्पल, कंघी, पीढ़ा, जो सभी सामान है वो सब हम इसमें पो लेंगे। तो हमारी एक बड़ी सी माला बनकर तैयार हो जाती है। तो ये होलिका के नाम की हमारी माला तैयार रहती है। जलेबी है और ये बर्फी है। तो मैंने इसमें छेद कर दिए थे ताकि ये पिरोए जा सके। तो आराम से मैं इन्हें पिरो लूंगी। आप जो भी मिठाई बनाए हैं, जो भी आपने खेल खिलौने जो नहीं पिरोने लायक हैं, वो आप थाली में रखकर होलिका में पूजा के समय ले जा सकते हैं। तो ये फुटबॉल थी और ये सिलबट्टा है, चौका चकली है। तो ये मैं ढाल अर्पित कर रही हूँ, इसमें ढाल पिरो रही हूँ। तो इस तरह से हमारी होलिका के नाम की बहुत बड़ी माला बनकर तैयार हो जाती है। जब ये हम होली पूजने जाएंगे तो ये होलिका में अर्पित करके आएंगे, क्योंकि ये हमें घर में नहीं रखना है। ये होली के नाम का बनाया है तो होली में ही अर्पित करेंगे। हमें किस प्रकार की माला बनानी चाहिए, अपना अपना रिवाज है। जैसा आपके यहाँ पर होता हो वैसे बना सकते हैं। कहीं कहीं पर 5 या 3 ऐसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर पितरों के नाम की, हनुमान जी के नाम की, चंडी माई नाम की, सबके नाम की बनाते हैं। जो ये चांद और तारे और ये सूरज हैं, हम इनको होलिका में नहीं डालेंगे, क्योंकि चांद और तारे अमर अजर अमर हैं। ये भी हमें जलाना नहीं है, होलिका में दहन नहीं करना है। इसे हमें साल भर जुगो कर रखना है, यानी संभाल कर रखना है। उसके बाद अगली होली पर आने के बाद इनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि हमें इनका दहन नहीं करना है। जो ये साबुत सामान है, ये थाली में हमें सजा कर लेकर जाने हैं पूजा में, होलिका के टाइम में। और ये हमारे पास चांद है और ढाल है, इन ढालों को हमने पिरोना है। पिरो कर इसे हमने घर के ऊंचे स्थान पर, कहीं ऊंचे स्थान पर रखना है और संभाल कर रखना है। और अगली होली आने के बाद इन ढाल और तलवार को, चांद को ही हमें विसर्जन करना है। कहते हैं कि चांद और ये ढाल जो रखते हैं, ये हमारी घर की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। तो आप अपने हिसाब से 5, 7, 9 ऐसे बड़कुल्ले डालकर बना सकते हैं। तो इसको लगाने से घर की सुरक्षा होती है, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। तो इसे हमें घर के ऊंचे स्थान पर लगाना होता है। इस तरह से तो हमारा ये माला बनकर तैयार हो गई है, 5 ढाल हो गई है इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे बड़कुले। हमें सबसे पहले शीतला माता के नाम के बड़कुले लेने हैं। बड़कुले हमें यहाँ पर 7, 9, 11 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ शीतला माता के नाम से 7 बड़कुले पिरो रही हूँ। 7, 11 जितने भी हों आप पिरो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9, 11, 14 इस तरह से हमें पिरोने होते हैं। तो पिरो लेंगे। मैंने ये 7 पिरोए हैं, क्योंकि शीतला माता के नाम का है, सप्तमी पर पूजे जाते हैं। तो हम ये सप्तमी के दिन ये हम शीतला माता को अर्पित करेंगे। और इस तरह से बाकी के बड़कुल्ले हैं, ये बड़कुल्ले हमें 11, 9 जिस तरह से आपको लगता हो लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक माला में एक ढाल और बाकी बड़कुल्ले लगाए जाते हैं। आप यहाँ 9, 11 बड़कुल्ले लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9-9 बड़कुल्ले इस तरह से पिरो रही हूँ। पिरो कर आप इस तरह से माला तैयार कर सकते हैं। तो बाकी मालाएं इस तरह से बना लीजिए। कुछ माला छोटी छोटी बनाई जाती हैं, जैसे शीतला माता के नाम की, उसमें 7 बड़कुल्ले लगते हैं। शीतला सप्तमी पूजी जाती है, तो सप्तमी के दिन हमें बड़कुल्ले अर्पित किए जाते हैं। हनुमान जी के नाम की एक, पितरों के नाम की एक, पीपल पथेबारी के नाम की और चंडी माता के नाम की। कम से कम हमें 5 बड़कुल्लों की माला जरूर से बनाएं। और अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो मार्केट से बने बनाए भी ला सकते हैं, और आप चिड़च सकते हैं, चिड़च कर पूजा करके होलिका में डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 7 मालाएं बनाई गई हैं, बनाई जाती हैं। आपके यहाँ कितनी बनाई जाती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
हमारे गांव में यह सारी की सारी मालाएं जब जगह जगह पर चढ़ाई जाती हैं और जो शहरों में रहते हैं वो नहीं चढ़ा पाते जगह जगह पर, तो इन सब की मालाएं जो भी बड़कुल्लों की मालाएं हैं ये सारी हमें एक ही दिन होलिका के दहन में अर्पित कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये माला शाम होते ही जगह जगह शीतला माता के शीतला मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर में और पीपल पथवारी के पेड़ के पास छोड़ आते हैं, तो इस तरह से हमें अर्पित करना होता है। तो आपको नहीं जगह मिल रही है तो आप ये सारी की सारी मालाएं होलिका में भी डाल सकते हैं। तो बाकी जो ये माला है बड़कुल्ले की, जो माला पांच ढाल बनाई थी घर के कोने में टांग दे, यानी कि हमारी छह मालाएं होलिका में डाल दी जाती हैं। तो इस तरह से हमें बड़कुल्लों की माला तैयार करनी होती है और हमें जो भी बड़कुल्ले बनाए तो माता का ध्यान करते हुए रहें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारी होली का जो होली है, आने वाला साल है, सुख समृद्धि से भरा रहे, सुख शांति रहे और सबकी होली अच्छे से बीते, ये प्रार्थना करते हुए हमें ये माला पिरोते रहना चाहिए और माता का ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हम अच्छे कार्य के लिए, अच्छे पूजा के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो माता का ध्यान और भगवान का ध्यान करते रहें और बनाते रहें। इस तरह से हमें माला पिरो लेनी है और जो ये पांच थेपले बनाए हैं, जो थेपले उपले बोलते हैं, ये उपले हवन के लिए मैंने बना लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे हवन होते रहते हैं पूजा पाठ में, तो इस तरह से मैंने उपले बना लिए हैं। इस तरह से हमारी दो माला हो गई, ये तीन, इस तरह से तीन चार जो भी है टोटल आप गिन सकते हैं और इस तरह से छः सात माला आराम से बना सकते हैं। और ये माला आप सबके नाम की सभी के स्थान पर रख दें और होलिका की होली वाले दिन आप शाम के समय जरूर से डाल कर आएँ। और जो ढाल हैं ये सारी, जो ये साबुत सामान बच गए हैं, ये थाली में सजा कर लेकर जाएँ, इन्हें फेंकना नहीं है, पूजा में होलिका में दहन करना है। और ये जो तारा है, सूरज है और ये चांद है, इनको हमने होलिका में नहीं डालना है, ये अजर अमर है, तो इन्हें हमें एक साल के बाद विसर्जन करना है। तो कैसी लगी वीडियो, जानकारी के लिए धन्यवाद।